चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवतारे गौरभक्त वृंद बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि श्री राधा रानी की श्री चरण में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए राधा रानी की चरण इतने दुर्लभ है जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वराज सुगुरुः पदार बिंदम, बोले जिनकी चरण साधारण जीव का बात छोड़ दो, जिनकी चरण ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, जिसके लिए शंकर के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, बोले शंकर जी के लिए छोड़ दो, बोले श्री उद्धव के लिए भी बड़े दुर्लभ है, बोले उद्धव के लिए छोड़ दो, जिनकी चरण श्री लक्ष्मी और श्री नारद जी के लिए दुर्लभ है, बोले इनकी बात छोड़ दो, जिनकी चरण कमल, बोले कृष्ण के लिए भी जिनका चरण दुर्लभ है। इसलिए जब श्री राधा रानी कभी मानी जी होकर के अभी हम लोग आ रहे थे श्री मानगढ़ और दानगढ़ में, जहाँ पर राधा रानी जब मान करती है कृष्ण कभी पालिहारी कभी मालिहारी कभी चूड़ी पहनाने वाली कभी चरण दबाने वाली का रूप कौन धारण करती है, स्वयं परम ब्रह्म कृष्ण जी के प्रेम में वशीभूत होकर के राधा रानी की चरण की सेवा स्वयं करते हैं। जहाँ पर श्री कवि जयदेव कहते हैं, मर करण खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम, जहाँ पर स्वयं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक स्वयं, जहाँ पर श्री राधा रानी की चरण की बात छोड़ दो, उनकी दासियों के चरण में भी गिड़गिड़ा देते। इसलिए कलयुग में श्री श्याम सुंदर इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, कारण क्या है, बोले कारण है राधाया प्रणव महिमा की दुर्लभ। जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में गए, उन्होंने देखा सारे चीज को मैंने कहा आस्वादन की, लेकिन एक चीज मेरे सर के ऊपर चला गया, बोले वो क्या है, बोले राधा रानी का क्या प्रेम की महिमा, क्या मेरे अद्भुत मधुरिमा, और राधा रानी मेरे प्रेम को जैसा आस्वादन करती है, जितने परिमाण में मैं आस्वादन करता हूँ उससे करोड़ रूप ज्यादा श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती है। इसलिए कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी की अंगकांति और भाव को लेकर के श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में श्री जगत में आते हैं, जिसको श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विपरीत शक्ति अस्मात देकात्मना भूमि पुरा देह भेटो गतो जो चैतन्यात प्रकर मधुना तत् स्वयं चैतमाप्त राधा भाव दुख सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूप। ये तत्व तो राधा हे क्या जी, गुरुदेव कहते राधा जी का दो स्वरूप है, एक मूर्त है एक अमूर्त है, मूर्त मतलब मूर्ति रूप में, अमृत रूप में, भाव रूप में, बोले कहाँ से शुरुआत होती है, कहते श्रद्धा से, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा भाव प्रेम, वही प्रेम जब घनीभूत अवस्था धारण करती है, स्नेह मान प्रणय राग भाव मां भाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, प्रेम की जो घनीभूत अवस्था है राधा रानी और कोई नहीं, जब कृष्ण प्रेम के एक मूर्ति रूप दिया जाए वो स्वयं श्रीमती राधा रानी। तत्वत राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, वो एक ही है, बोले ज राधा सा प्री कृष्ण ज राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिष विधा वृंद राधा माधव स्वरूप। तत्व तो वो दो नहीं, वो एक होते हुए भी दो और दो होते हुए भी एक। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हा देवी का को घर गत अस्य वाचा जाते निपत्य दंडवत उद्भटाती अस्य प्रसादा समभूत तिक्त गांधर्वी के पीछे गणे कहना भी दें। यही है प्रार्थना करते हैं, हे राधे आपकी श्री चरण में हम गदगद होकर के अपना चरण में प्रार्थना यही करते हैं, अपने रजिस्टर में आपका दासियों की दासियों की दासियों की सबसे नीचे हमारा नाम लिख दो, आपका दासी का दासी। इसलिए हम श्री राधा रानी की चरण में आए, वे हम सबको ऊपर में कृपा करें, विशेष कर गुरुदेव हमारे ऊपर में कृपा करें, जो हमारे हृदय में राष्ट्र दास्य की जो बीज बोए हैं श्री गुरुदेव कृपा करें, कभी हम राधा रानी की दासी की दासी की दासी पर।
संसाकल सर्वेश्वर विद्वान् सिद्धुमेव च प्रतिष्ठानं कृपा